नमस्कार। जातक ग्रंथ में एक ही नाम से पांच पांच कहानियां तक मिलती हैं। एक ही नाम से दो कहानियों के तो कई उदाहरण हैं। मित्तामित्त जातक के नाम से जो पहली कहानी आपने सुनी उसकी संख्या 473 थी और वह जातक के चौथे खंड में थी। यह कहानी जो अभी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका भी वही नाम है, मित्तामित्त जातक, और उसकी संख्या है 197 और यह दूसरे खंड में है। हालांकि यह कहानी भी जेतवन विहार में ही बनी और पहली कथा की तरह ही इसमें भी जो विषय है मित्तामित्त जातक, मित्र और अमित्र की कथा है। पहली कथा में समस्या जो थी वो कौशल नरेश के दरबार की थी, जो उनके एक अमात्य से संबंधित थी और उसके बहाने मित्र अमित्र के लक्षण समझाए गए थे। पर साथ ही शास्ता ने यह भी हिदायत दे दी थी कि लक्षण देखकर ही पूर्वाग्रह न बना लें, जांचने का भी प्रयत्न करें, कभी कंफर्म हो तभी आप एक्शन लें। बेहतर तो यह है कि मैत्री भावना बनाए रखें। शत्रुता का भाव सेहत और सफलता के लिए उपयोगी नहीं होता। उसी प्रकार लक्षणों के आधार पर मित्र का तय कर लेना और एक पूर्वाग्रह पाल लेना कि यह मित्र ही है, यह भी उचित नहीं। व्यवहार में जो दूसरे कायदे कानून हैं, अनुशासन के नियम हैं, उनका पालन भी होना चाहिए। अब इस कहानी में जो वर्तमान कथा है उसमें यही समस्या बताई गई है और उससे हम उसके स्टडी से हम समझ सकते हैं। हुआ यह था कि जेतवन विहार के एक भिक्षु ने अपने उपाध्याय का एक वस्त्र खंड, मतलब कपड़े का कोई कट पीस रहा होगा, वो ले लिया और अपने जूते रखने की थैली बना ली। उसने यह पूर्वाग्रह पाल रखा था शायद कि उपाध्याय तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मित्रवत हैं, मेरे हितैषी हैं, इस बात का कतई बुरा नहीं मानेंगे, और उसने जूते की थैली बना ली। बाद में बताया कि भंते, आपका वस्त्र खंड मैंने ले लिया है। अब उपाध्याय तो नाराज हो गए, क्यों ले लिया? तो भिक्षु ने उत्तर दिया कि मुझे विश्वास था कि आप इसका बुरा नहीं मानेंगे, आप क्रोधित नहीं होंगे और इसलिए ले लिया। तो उपाध्याय जो है इस बात पर आग बबूला हो गए और उसकी जम के पिटाई की कि विश्वास क्या, मेरा क्या विश्वास, विश्वास होता क्या है, क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। अब यह घटना जो है ये विहार में बहुत लोगों को पता लग गया और भिक्षुओं को बहुत बुरा लगा। क्या मतलब छोटी सी चीज के लिए इतनी पिटाई कर दी और ऐसा भी क्या क्रोध, मतलब जो शास्त्रा ने नियम बनाए हैं वो क्या हम ही लोग पर है भाई? उपाध्याय को और जो आचार्य हैं उनको क्रोध पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए? तो अब ये धर्म सभा में चर्चा होने लगी कि इस तरह घटना हुई है और शास्त्रा ने पूछ लिया, तो सारी बात भिक्षुओं ने बताई उनको। अब क्या इतना क्रोध करना सम्यक है? और तो और एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का इतना भी विश्वास नहीं रख सकते? उल्टे उपाध्याय कहता है कि मेरा तेरा क्या विश्वास है, इसमें विश्वास का प्रश्न कहाँ से आता है? तो ये जो बिना पूछे भिक्षु ने वस्त्रखंड ले लिया, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ये वैसे उसने गलती की, ये एक तरह की चोरी है और इसलिए उपाध्याय को गुस्सा आ गया होगा, या हो सकता है कि ये वस्त्रखंड उपाध्याय ने किसी विशेष काम के लिए रखा हो, कोई भावनात्मक लगाव हो इसके साथ। तो
ये जो घटना थी, अब शास्ता ने उसी अंदाज में कहा कि ये तो कोई नई बात है नहीं, पहले भी हुआ था। अब सारे श्रोता जो है वो जानने के लिए व्यग्र हो जाते हैं कि पहले ऐसा क्या हुआ था। तो इससे ये मनोवैज्ञानिक प्रबंधन का ढंग है। इससे क्या है कि आदमी का सब कॉन्शियस भी जो है वो एक्टिव हो जाता है, सचेत हो जाता है ये जानने के लिए, और मनोवैज्ञानिक ढंग से जो समस्या है उसका निदान अतीत कथा के द्वारा करते हैं। यही हमको जातक कथाओं में मिलता है। तो अतीत कथा की शैली वही रखी जाती है, और यहाँ भी वही है कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त का शासनकाल है और बोधिसत्व, तो बोधिसत्व जो है एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ऋषियों की प्रवृत्तियां ली, हिमालय पर तप करने चले गए और वहां बहुत से ऋषियों के जो समूह था, गण था, उसके वो नेता बन गए। अब उसमें एक तपस्वी ऐसा था जो हाथी पालता था, हालांकि बोधिसत्व ने मना भी किया, परंतु हाथी की माँ मर गई थी और ये तपस्वी के मन में एक करुणा भावना थी और वो उसको पोषण करता था। परंतु जब हाथी बड़ा हो गया तो उस हाथी ने ही तपस्वी को रौंद डाला। अब दोनों के बीच क्या हुआ ये तो इस घटना का तो पता नहीं है, लेकिन जब उसका दाह संस्कार कर दिया गया तो फिर सारे ऋषियों ने बोधिसत्व को घेर कर पूछा कि भंते, मित्र और अमित्र इसका कैसे पहचानो, कैसे पहचाना जाए। तो मतलब तो उनका पूछने का यह था कि देखिए ना, ये हाथी जो है बचपन से इसको पोस रहा है और इसके बाद अचानक ये इस तरह कर देगा तो कैसे, मतलब जानवर को तो पालना इसका मतलब उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। तब जो है बोधिसत्व उनका उत्तर देते हुए एक कथा सुना, एक गाथा जो कहते हैं, मैं वो गाथा आपको सुनाता हूं। नम नम उम्मयते दिश्वा न च नम पटिनंदति चक्षुनि चस न ददाति पटिलोमंच वत्तति एते भवन्ति आकारा अमित तस्मिम पतिठिता ये ही अमितम जानेय दिश्वा सुत्वा च पंडितो ति। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे देखकर न मुस्कुराता है, न प्रसन्न होता है और न उसकी ओर आंखें ही करता है, आंखें दूसरी तरफ रखता है और प्रतिकूल बर्ताव करता है। तो ये तो अमित्र के लक्षण हुए, अमित्र के ढंग हुए। उन्हें देखकर सुनकर पंडित का जो अपने अमित्र को पहचानना चाहिए इस तरह पहचान लेता है। अगर इसे कोई उलट करता है तो वो मित्र की भावना समझनी चाहिए। अब पहली कहानी में भी, पहली अमित में भी लगभग गाथा का सार यही था और यहां कहानी खत्म हो जाती है। और अंत में सामंजस्य जो बिठाया जाता है वो ये है कि जो पहले का तपस्वी था वो ये शिष्य था और जो हाथी था वो उपाध्याय था। अब आज की जो परिषद है, जो ऋषि की परिषद है, वो बुद्ध परिषद है। तो इस तरह एक मिलान कर दिया गया। पर अगर हम जो बोधिसत्व ने जो कहा है उस बात पर विचार करें, क्योंकि हर कहानी में होता है कि शास्ता अपनी बात बोधिसत्व के माध्यम से कहते हैं, स्वयं कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो ये एक तकनीक है। तो जो शास्ता का विचार है वो हमें बोधिसत्व की कार्यकलाप से, चाहे उनकी बात हो या उनका एक्शन हो, उससे पता लग जाता है। अब अगर बोधिसत्व ने जो कहा उस पर विचार करें तो जो लक्षण उसमें बताए गए हैं वो इंसान से इंसान की दोस्ती मैत्री के हो सकते हैं। इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती के लक्षण तो ये नहीं लगते।
अब अगर जानवरों से संबंध की बात करें तो जो विश्वास है वो दीर्घकालिक नहीं होता, यानी जानवर का विश्वास आप पूर्णकालिक रूप से नहीं कर सकते। अचानक कब उसका व्यवहार बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप प्रकारांतर से यूं भी कह सकते हैं कि जिस इंसान में इस तरह की गुण हो कि उसका विश्वास जो है वो कभी भी टूट जाएगा, अचानक वो ऐसा रिएक्शन दे देगा, तो वो एक तरह से जानवर हुआ। और गुस्से में हम देखते हैं कि इंसान जानवरों की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है, जानवरों से भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शास्ता ने ये लेबल दिया उपाध्याय को कि एक तरह का जानवर की तरह उसने व्यवहार किया, इसलिए हाथी से मिलाया। और जातक कथाओं में मैंने देखा है कि प्रतीक इतने सटीक होते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि जो उपाध्याय हो वो डील डॉल में बिल्कुल हाथी की तरह रहे हों। तो ये प्रतीक जो है अतीत कथा में इस प्रकार आया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, जो शिक्षण व्यवस्था में अनुशासक हैं, नियंत्रक हैं, उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चों की इस कदर पिटाई कर दी जाए और छोटी सी बात के लिए। तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको क्षमा करना चाहिए या ताड़ना देकर कि भविष्य में ऐसा न करें, ये ज़्यादा उचित ढंग लगता है अनुशासन रखने का। और एक बात जो बुद्ध की प्रबंधन के नज़रिए से साफ होती है कि जो क्रोध पर नियंत्रण करना है वो केवल भिक्षुओं का ही काम नहीं, वो बड़ों का भी काम है। और ये सिर्फ ये कहते रहना कि ऐसा करो ऐसा मत करो, इससे बेहतर है कि कैसा करो ये करके दिखाया जाए। और जैसे अंग्रेजी में कहते भी हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच या प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। तो ये जो भावना है ये इस कहानी का संदेश उभर कर आता है बुद्ध की प्रबंधन का। अब आप पूछेंगे कि इसमें मित्र के लक्षण से बात शुरू हुई और ये कहाँ शिक्षण व्यवस्था से जुड़ गई। यही जातक अठकथाओं की विशेषता है कि इनमें प्रबंधन के कई आयाम हमको मिलते हैं और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस तरह जहाँ तक विश्वास का प्रश्न है कि विश्वास कब किया जाए, कैसे किया जाए, किस पर किया जाए, कहाँ किया जाए, यानी विश्वास का जो मैनेजमेंट है, क्या उस पक्ष से संबंधित कोई कहानी है, ये खोज के मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगा।